तो नमस्कार साथियों, आज का वीडियो कुछ इस प्रकार है। आज का टॉपिक है हमारा SMPS। दोस्तों SMPS क्या है? दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो हमारे को 24 वोल्ट DC देती है। दोस्तों ये मशीन या ये चीज़ और ये डिवाइस एक इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होती है। दोस्तों कंपनियों में जहाँ जाते हो आप, वहाँ पर 24 वोल्टेज लेने के लिए कोई भी छोटा मोटा रेक्टिफायर नहीं लगाते हैं, बल्कि इसी SMPS का यूज़ लेते हैं। कौन सी भी कंपनी में चले जाओ आप, 24 वोल्ट लेने के लिए SMPS का इस्तेमाल ही करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक ओमरोन कंपनी, जो एक जानी मानी ऑटोमेशन की कंपनी है, जो ऑटोमेशन का पार्ट्स बनाती है, ये वो वाली कंपनी से मंगाया गया है एक, जिसका नंबर है दोस्तों आप S8VK-CO0624। ये SMPS इंडस्ट्री लेवल में यूज़ होती है। दोस्तों आप इसको पास से देख सकते हो। इसकी जो रेटिंग है वो इनपुट में हमको देना होता है 100 वोल्ट से 240 वोल्ट ऐसी फ्रीक्वेंसी, 260 मतलब 50 से 60 हर्ट्ज़, 1.3 एम्पीयर का ये करंट लेती है, और हमारे को आउटपुट में देती है 24 वोल्ट से भी ज़्यादा, और 2.5 एम्पीयर तक का लोड हम इसे चला सकते हैं। दोस्तों इसको मैक्सिमम टेम्परेचर इसका रहता है 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है दोस्तों इसका। यहाँ से हम दोस्तों इसका वोल्टेज लेते हैं, जो DC वाला होता है, ये 24 वोल्ट पे काम करती है। तो हमारे को 24, इसमें दो टर्मिनल दिए गए हैं, जो हमारा 24 का प्लस वाला होगा, और ये 3 पॉइंट दिए गए हैं जो कॉमन रहता है, यानी कि माइनस वाला होगा। कोई भी आउटपुट देने से पहले दोस्तों हमको देख लेना है कि इसमें प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। और वैसे ही इसी प्रकार इनपुट में जो होता है, जो फेज़ और न्यूट्रल होता है, देखो लाइन और न्यूट्रल दिया गया है, इसको भी इसमें 3 टर्मिनल होते हैं दोस्तों। इसमें फर्स्ट वाला होता है जिसमें न्यूट्रल देना होता है, और जो सेकंड वाला होता है उसमें लाइन वाला कनेक्शन किया जाता है, और एक अर्थ वाला कनेक्शन किया जाता है जिसको हमको ग्राउंड करना होता है। ये चलता है 100 वोल्ट से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से। तो दोस्तों को देते हैं हम सिंगल फेज AC। तो इसके लिए हमको दिया है यहाँ पे न्यूट्रल देना है और यहाँ पे लाइन वाला वायर देना है। तो दोस्तों इसका कनेक्शन इस प्रकार होता है, जैसे यहाँ पे L1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा खोल के इसका ये वाला टर्मिनल लाइन में लगा दिया, और जो दूसरे वाला वायर होता है, जो हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें भी हमको एक वायर जोड़ना होता है। तो हमने जो AC वाला वायर होता है वो हमने एक आसान तरीके से जोड़ दिया, और इसको खींच के देख लेना है कोई ढीला वीला तो नहीं है, और इसको हम साइड कर देंगे। और हमको दो छोटे छोटे टुकड़े लेने होंगे। दोस्तों मैंने दो छोटे टुकड़े लिए हैं, इसको हमको एक को देना है, 3 टर्मिनल में से किसी को भी एक प्लस माइनस दे दीजिए, जिसको हमको ये एक माइनस का पॉइंट हो गया, यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको एक प्लस का चाहिए होगा, और ये हमने एक प्लस का दे दिया है। ये प्लस का देने के बाद यहाँ से इसका सीधा सा कनेक्शन सही से हो गया है। दोस्तों हमारे दोनों वायर के कनेक्शन सीधे से हो गए हैं, और हमको एक अपने AC का बोर्ड चाहिए। दोस्तों ये हमने AC का बोर्ड लगा रखा है, जहाँ पे 230 वोल्टेज AC की सप्लाई दी जा रही है। तो दोस्तों इसको चेक कर हम सीधा इसको डाल देते हैं सिंगल फेज में, और सिंगल फेज में डालते ही दोस्तों इसमें पावर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमने डाल दिया है, और हम सीधे इसका पॉइंट पकड़ेंगे, इसमें ये पावर आ गया दोस्तों। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर हमको पूरा लाइन वाला सप्लाई दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, सीधा हमारा जो टेस्ट का लैंप है वो सीधा सा ब्लाइंक कर रहा है, यानी कि इसमें पावर आ रहा है, और हमारी ये वायरिंग है ये कंप्लीट हो गई। और हमको एक DC लोड चलाने के लिए, आपको बताने के लिए, हमने एक छोटा सा मोटर लिया है, 24 वोल्ट पे या 12 वोल्ट पे काम करता है, तो उसको चला के हम देखते हैं। तो ये हमारे पास एक 24 वोल्ट से चलने वाला DC मोटर, जो एक काफ़ी ओके कंडीशन में है, तो हम सीधा इसको चला देते हैं दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से सीधा लेना है दोस्तों आपको, एक टर्मिनल वाला होता है वो इस पर लगाने का है, और इसका दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पर चलाने का है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें यही होता है कि इसका मेन मोटिव यही होता है कि दोस्तों जो ये वाला जो SMPS होता है, जो हम 24 वोल्ट इंडस्ट्री लेवल में यूज़ करने के लिए लेते हैं, इसका काम यही होता है कि जो वहाँ पे लगे हुए छोटे मोटे जो 24 वोल्ट लोड पे जो काम करते हैं, उसको चलाने के लिए हम इसी SMPS का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और आपके सीखने के लिए काफ़ी एक अच्छा मोटिव मिला होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।